तो स्वागत है आपका मार्चकाल स्मार्ट स्टडी विद अजय सर में। जैसे कि आज हम जितने भी अवार्ड हुए हैं 2021-22 में उनको करेंगे, जो अपने करंट अफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कर रहे हैं 94 ऑस्कर अवार्ड 2022, जो एक किसको कौन सी बेस्ट फिल्म को मिला, कौन सी बेस्ट एक्टर को मिला और कौन सी बेस्ट एक्ट्रेस डायरेक्टर को मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट फिल्म 94th ऑस्कर अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म के लिए, मिला था कोंडा को मिला था। तो इसका बेस्ट फिल्म जो कोंडा है, जबकि 93 2021 में जो 93 ऑस्कर अवार्ड मिला था 2021 में, वो बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड को मिला था। नोमैडलैंड इसका जो 2022 से मिला है वो कोंडा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर है जो विल स्मिथ है। और जितने भी अब अवार्ड मिले हैं, जो बेस्ट एक्टर, बेस्ट बेस्ट एक्टर के लिए विल स्मिथ को मिले हैं। अब जितने भी 2022 में अवार्ड मिले हैं बाफ्टा के लिए, इन सब के लिए बेस्ट एक्टर है जो विल स्मिथ ही रहेंगे। आप बिना सोच समझ आप लगा सकते हैं विल स्मिथ ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस है जेसिका चेस्टन को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर चैम्प कैंपियन, जो बेस्ट डायरेक्टर है वो जेन कैंपियन है। तो आप बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर को आप बिना सोच समझे लगा सकते हैं जितने भी पेपर में आएंगे, कि बेस्ट एक्टर है जो विल स्मिथ को मिला है और बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन। चलते हैं नेक्स्ट। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिले हैं 12 प्लेयर को, उनके बारे में जानते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है, पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम जाना जाता था। ये 1991-92 में स्टार्ट हुआ और इसके लिए जो राशि है खेल रत्न की, वो राशि 25 लाख, जो पहले 7.5 लाख रुपये थी। इसको सबसे पहले विश्वनाथ आनंद, जो विश्वनाथ आनंद थे उनको दिया गया था। विश्वनाथ आनंद जो चेस के प्लेयर हैं, सबसे पहले उनको मिला था। और अब 2021 में जो 12 प्लेयर को मिला है उनके नाम नोट कर लीजिए। पहला है जो नीरज चोपड़ा, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए थे, तो नीरज चोपड़ा। दूसरा मनप्रीत, जो हॉकी में गोलकीपर है मनप्रीत सिंह। तीसरा लवलीना बोरगोहेन, जो बॉक्सिंग में ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेके आई थी लवलीना बोरगोहेन। और चौथा मनीष नरवाल, टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक में ये उन्होंने शूटिंग में भाग लिया था। और सारी सारी जो 12 है जिनमें से नीरज, मनप्रीत सिंह हॉकी और क्रिकेट, मिथाइल राज अवनी लेकर शूटिंग में, सुमित अंतल भाला फेंक में, सुनील छेत्री फुटबॉल में। तो मिथाइल राज और सुनील छेत्री को छोड़ के सारे सारे ओलंपिक पैरा ओलंपिक में मेडल लेके आए थे, तो सबको मिला है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जो अपने पैरा पैरा टोक्यो ओलंपिक में थे उसमें 1, 2, 4 मेडल आए थे। तो नीरज चोपड़ा दो मिले थे अपन ने, लवलीना बोरगोहेन और रवि दहिया को मिला था। और 4 ब्रॉन्ज मिले थे, जिनमें अपने रवि दहिया को मिला था, प्रमोद भगत को मिला था, सुनील छेत्री फुटबॉल के लिए मिला था, और मिताली राज क्रिकेट के लिए मिला था, अपनी लकीरा शूटिंग के लिए मिला था, और सुमित अंतल को भाला फेंक के लिए मिला था। तो 12 प्लेयर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट। बिरला फाउंडेशन, तो बिरला फाउंडेशन है जो 1991 से 1991 से सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दे रहा है। तो अपने सरस्वती सम्मान है जो 2021 में चरण कुमार लिम्बाली को मिला था स्नातन के लिए, और व्यास सम्मान सरद पगारे को मिला था पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। तो ये आप याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन बोर्ड 2022, बताना है जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड है 2022 का, वो किसे मिला था। तो सुभाष चंद्र बोस अवार्ड है जो 23 जनवरी को दिया जाता है, जो 23 जनवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है उसमें दिया जाता है। ये व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत है जो पर्सन को दिया गया था, वो तो प्रबोध प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया था, 5 लाख रुपये दिए गए थे प्रोफेसर विनोद शर्मा। और
और दूसरा दूसरा है जो संस्था को दिया गया था, गुजरात आपदा प्रबंधन को लिए दिया गया था, गुजरात के लिए दिया गया था। तो इनको याद रखना, ये दोनों पूछ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नेताजी जो पुरस्कार है शिंजो आबे को दिया गया, तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये पूछ जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण 2022, तो पद्म विभूषण 2022 जो किसको दिए गए थे बताना है, तो ये चार लोगों को दिए गए थे, ये छब्बीस जनवरी को दिया जाता है, जो पद्म विभूषण है छब्बीस जनवरी को दिया जाता है। 2022 में चार लोगों को दिए गए थे, जनरल बिपिन रावत को दिया गया था पहला, दूसरा दिया गया था राधेश्याम जी को दिया गया था, यूपी के हैं ये, और तीसरा कल्याण सिंह को दिया गया था, यूपी के सीएम रह चुके हैं, और प्रभान ने, जो प्रभान ना है चौथा, प्रभान ने को दिया गया था, ये चार लोगों को दिया गया था। इसको आप याद रखिए, ये लिख रखे, पहला जनरल बिपिन रावत, दूसरा राधेश्याम, तीसरा कल्याण सिंह, प्रभान ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सोनू निगम को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो सोनू निगम को जो दिया गया था पद्मश्री दिया गया था, और देवेंद्र जाडेजा को पद्म भूषण दिया गया था। देवेंद्र जाडेजा पैरालंपिक में एरो चूरू के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभि लखेरा इसे पद्मश्री दिया गया था, जो अभि लखेरिया हैं उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड है जो पीआर श्रीजेश को दिया गया था, जो हॉकी के प्लेयर है, और आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो स्मृति मंदना को दिया गया था, दोनों अलग है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पीआर श्रीजेश, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंदाना को दिया गया था। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, तो ये दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड है जो जो बेस्ट एक्टर तो रणवीर सिंह को दिया गया था, 83 फिल्म के लिए दिया गया था, और बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन को दिया गया था। फिल्म ऑफ द ईयर जो पुष्पा है, पुष्पा राज को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी इंटू टू अवार्ड, तो आपको बताना है ये टी इंटू टू टू अवार्ड है किसको दिया गया था? तो ये सत्यमंगलम टाइगर जेल को दिया गया था, और रामानुजम अवार्ड, रामानुजम अवार्ड है जो मैथ के लिए नीना गुप्ता को दिया गया था। एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार 2022 में डेनिस सुलेमान को दिया गया था, एबल जो गणित के लिए दिया जाता है, इन्होंने मैथ के लिए दिया गया था। यदि आप हमारी सीरीज पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट, साहित्य अकादमी अवार्ड, तो साहित्य अकादमी अवार्ड है जो हिंदी के लिए दिया गया था, जो हिंदी है उसके लिए दया प्रकाश को दिया गया था, दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक के लिए, और इंग्लिश के लिए नमिता गोखले को दिया गया। ये दिख रहा है, तो हिंदी करना है तो ये पूछा जाता है। पुलित्जर अवार्ड 2021 के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए दिया गया। सखरोव अवार्ड जो अलेक्सी नवलेनी है उनको दिया गया था, इस आप जानते हो अलेक्सी नवलेनी रूस में जो व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें जेल में डाल रखा है, वही है। नेक्स्ट, कलिंग अवार्ड, जो कलिंग अवार्ड है जो विश्वभूषण हरिचंद्र को दिया गया था, और महाराष्ट्र भूषण जो बोला सा भोसले को दिया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है।